अपने बर्ड्स को फीड दें वो कुछ काले, उसके बाद आपने इस सिरप को गर्म पानी में देना है, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड भी सेहतमंद होंगे। व्यूअर्स, ये 6 मिनट की वीडियो है, इसको स्किप मत करना, पूरा देखना, आपको इंशाल्लाह बहुत से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर ये 6 मिनट आपने वीडियो देख ली और आपको ऐसा लगा कि हमने आपका टाइम वेस्ट किया, तो बेशक आप हमारे इस वीडियो को अनलाइक और हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने रिडाइज पैरट्स एरिया में हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कुछ दिनों से हमारे कुछ बर्ड्स बीमार थे, जैसे उनकी सांस रुक रहा हो, जुकाम हो, तो इनके लिए मैंने एक नुस्खा इस्तेमाल किया है जो माशाल्लाह अब हमारी वो बर्ड्स बिल्कुल ठीक हैं। तो सोचा कि आप व्यूअर्स के साथ शेयर करो, अगर आपके बर्ड्स को इस तरह का मसला है, उनको खांसी हो, जुकाम हो, या उनकी सांस रुक रहा हो, तो आप भी यही नुस्खा इस्तेमाल करें, शायद आपके बर्ड्स अगर बाकी इलाज से ठीक नहीं हो तो इस ट्रीटमेंट के साथ शायद आपके बर्ड्स ठीक रहें। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, वो नुस्खा जो हमने इस्तेमाल किया है वो कुछ ये है। तो व्यूअर्स, जो नुस्खा मैंने इस्तेमाल किया वो आपके साथ अब शेयर करता हूँ। माशाल्लाह, तो मैंने अपने बर्ड्स को फिर यही सिरप दिया, आप देख सकते हैं, ये आम मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकता है जिसका नाम है एसिफाइल। तो व्यूअर्स, तकरीबन 2.5 लीटर के वाटर है, आप देख सकते हैं पानी को, आप देख सकते हैं स्पॉट आपने देख लिया। तो इसको मैंने सिर्फ इतना दिया है और दूसरा पैर हाफ किया। व्यूअर्स, माशाल्लाह 3 दिन के इस्तेमाल से माशाल्लाह वो बर्ड्स हमारे बिल्कुल सेहतमंद हो गए। व्यूअर्स, आपने बिल्कुल इसको ऐसा नहीं देना, बल्कि आपने पहले अपने बर्ड्स को फीड करवाना है, उनको हॉली पेट सुबह नहीं देना आपने, जब वो कुछ वो खाएं उसके बाद आपने गर्म पानी में, जिस तरह का मैंने डाल दिया पानी में 2 लीटर के तकरीबन पानी में, तो इस तरह आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। व्यूअर्स, ये सिर्फ देने से पहले अपने बर्ड्स को अच्छी तरह फीड करवाएं, उसको खुराक ज़रूर दें। व्यूअर्स, आपने ऐसा करना है कि अपने बर्ड्स से शाम को पानी जल्दी हटाना है, ताकि उनको जब आप सुबह सिरप देते हैं गर्म पानी में और उनको प्यास लगे हो, तो फिर वो जल्दी ही, जो ही आप इनको पानी डालते हैं तो वो डायरेक्टली पानी पियेंगे, और जो पानी आपने गर्म डाले हो उनसे वो पानी ठंडे नहीं होते। तो व्यूअर्स, आप अब देख सकते हैं कि माशाल्लाह एक भी परिंदा पानी पीने से नहीं रहेगा, सब पानी पियेंगे, क्योंकि कल शाम को मैंने जल्दी उनसे पानी हटाए थे, ताकि सुबह जब मैं उनको सिरप दूँ और पानी भी गर्म दूँ तो पानी उनसे ठंडे ना हो, क्योंकि अगर वो बाद में पानी पीते हैं तो पानी उनसे ठंडे होंगे। तो सबको प्यास लगी है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि बारी बारी बजीज आते हैं और पानी पीते हैं। तो आप व्यूअर्स देख लें, माशाल्लाह जो ट्रिक इस्तेमाल किया था कि शाम को उनसे जल्दी पानी हटाए थे, ताकि सुबह जब मैं उनको सिरप देता हूँ तो वो जल्दी वो पानी पिए, अभी मैं उनके साथ ही हूँ और वो पानी पीते हैं, गर्म पानी है, सिरप भी डाला है। तो आप व्यूअर्स देख सकते हैं, तो आप व्यूअर्स भी इस तरह करें कि शाम के वक्त पानी जल्दी उनसे हटाए, जब आप उनको सुबह कुछ मेडिसिन देने वाले हों, ताकि वो सुबह पेड़ जल्दी पिए वो। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसी नुस्खे से आपके बर्ड इंशाल्लाह पेड़ सांस की बीमारी से या जुकाम की वजह से उनको मसला नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बर्ड्स इनसे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो सोचा कि आप व्यूअर्स के साथ भी शेयर करो। तो व्यूअर्स, आप माशाल्लाह देख सकते हैं, मैं इस वीडियो को काट इसलिए नहीं कर रहा कि आपको बताऊं कि आप देख सकें कि माशाल्लाह सारे बर्ड्स अब पानी पीने आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको शाम से
तेल है पानी हटाए थे, और ये सिर्फ आपने ठंडे पानी में नहीं देना बल्कि आपने गर्म पानी में देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही बीमार होते हैं। अगर आप उनको ठंडे पानी देंगे तो फिर वो मज़ीद और भी ख़राब हो सकते हैं। व्यूअर्स आपने देख लिया, व्यूअर्स आपने देख लिया कि हमने अपने बर्ड्स को ऐसा किया दिया था जिससे हमारे बर्ड्स को जो सांस की बीमारी थी या उनको खांसी ज़ुकाम था जो अब ठीक है। तो व्यूअर्स हमने एसिफाइल सिरप दिया है, दिन में एक मरतबा दिया और 3 दिन मुसलसल के इस्तेमाल से माशाल्लाह आप हमारे बर्ड्स वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। एक बार फिर बताता हूँ कि आपने इनको खाली पेट यानी बिल्कुल सुबह नहीं देना। जब आप अपने बर्ड्स को फीड दें वो कुछ काले, उसके बाद आपने इस सिरप को गर्म पानी में देना है, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड भी सेहतमंद होंगे। व्यूअर्स लास्ट में एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें।